किसान भाइयों नमस्कार, मैं इसके त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, मैं आज आपको मिर्च में फूल झड़ने से रोकने के उपाय बताऊंगा। किसान भाइयों, मिर्च में कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि फूल झड़ने लगते हैं, जिससे उपज में काफ़ी कमी आ जाती है और किसान भाई परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि मिर्च में फूल क्यों झड़ते हैं। इसके किसान भाइयों पाँच प्रमुख कारण है जिसके कारण फूल झड़ते हैं। पहला कारण मौसम। यदि मौसम में जो तापमान है वो यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाए या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाए तो अक्सर मिर्च में फूल झड़ने लगते हैं। या आर्द्रता, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यदि वो 60% से नीचे आ जाए या 85% से ऊपर पहुँच जाए तो भी फूल झड़ने लगते हैं। या फ्लावरिंग के समय, पुष्पन के समय तेज बारिश हो जाए, इसके कारण भी फूल झड़ने लगते हैं। दूसरा, असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। यदि आप असंतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करेंगे या विशेषकर नत्रजन का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो फूल झड़ने की समस्या आती है। तीसरा कारण, भूमि में अपर्याप्त नमी या भूमि में बहुत अधिक नमी या बहुत कम नमी के कारण भी फल झड़ने लग जाते हैं। चौथा कारण, कीट एवं रोगों का प्रकोप, विशेषकर रस चूसने वाले कीटों का अधिक मात्रा में, जैसे सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, मकड़ी है, इनका अधिक मात्रा में प्रकोप होता है तो भी फूल झड़ने लगते हैं। या पौधों में हार्मोन का असंतुलन होने पर भी फूल झड़ने की समस्या देखी गई है। तो किसान भाई, ये जो पाँच प्रमुख कारण हैं उनको हम दूर करने के उपाय करेंगे। तो सबसे पहले हमें मृदा परीक्षण के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना है। नंबर दो, मिर्च में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना है और भूमि में उचित नमी बनाए रखना है। ड्रिप से प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर हमें सिंचाई करना है। तीसरा, कीट एवं रोगों की पहचान कर उसको समय पे हमें नियंत्रण करना है। साथ में यदि फूल झड़ने की समस्या आपको खेत में लग रही है तो पुष्पन के समय, फूल आने के समय प्लानोफिक्स 1 ml प्रति 4.5 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 दिन बाद करें। इससे आपकी जो मिर्च है उसमें फूल झड़ने की समस्या पर रोकथाम होगी। साथ ही किसान भाइयों, खेत में चारों ओर फूल के पौधे आप लगाएं ताकि तितलियां, मधुमक्खियां आपके खेत में आएं, क्योंकि ये परागण का कार्य करती हैं। कभी कभी परागण की कमी के कारण भी फूल झड़ने लगते हैं। तो मैंने जो बताया, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके फूल झड़ने की समस्या रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।